तो भाई लोग फाइनली सोनी लिव ने महारानी के सीजन 3 का सारा एपिसोड डाल दिया हुआ है एंड इट्स अ मिरेकल फॉर एन सोनी लिव सब्सक्राइबर। अगर हम इनके पिछले सीजन की बात करें, जस्ट लाइक बिफोर जो हमने देखे थे सीजन 1 एंड सीजन 2, तो उनमें इन्होंने 10-10 एपिसोड का रेशियो रखा हुआ था, लेकिन इस सीजन 3 में इन्होंने सिर्फ 8 एपिसोड रख दिए हुए हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, चलो रिव्यू करते हैं। तो इस सीजन की शुरुआत होती है वहीं से जहां पे इस सीरीज का सीजन 2 खत्म हुआ था। हाँ, जहां पे हमारे पूर्व सीएम मर गए थे एंड उन्हीं के एलिगेशन उनकी बीवी के ऊपर, रानी भारती के ऊपर लगा दिए हैं एंड वो उस जेल में सरवाइव कर रही हैं एंड साथ ही साथ अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारियां भी देख रहे हैं। उन्होंने वहां से 12th कंप्लीट की हुई है और बाहर की ओर अगर देखें तो हमारे नए सीएम यानी कि नवीन बाबू अपने अलग ही अलग बवाल मचाए जा रहे हैं और बाहर ही बाहर जहरीली शराब का धंधा भी बिहार में चल रहा है। एंड और एक मां के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब होती है जब वो जेल में हो और उसके बच्चे बाहर हो और वो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो उनके बच्चों के साथ भी हादसे हुए जा रहे हैं। अब बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन होगा अगला सीएम और कैसे और क्या घायल शेरनी हमला करेगी, कैसे करेगी क्या नहीं करेगी, इसके लिए आपको ये सीरीज महारानी सीजन 2 देखना होगा। पॉजिटिव नंबर 1, इंगेजिंग स्क्रीन प्ले। अगर हम बात करें इस सीरीज की तो इस सीरीज का जितना प्यारा अच्छा कहानी है उतना ही प्यारा इसका स्क्रीन प्ले है, जहां पर आप हर एक एपिसोड से बन जाओगे कि अब अगला पॉलिटिकल एलिमेंट क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिकली मैंने बहुत सी पॉलिटिकल थ्रिलर चीजें देखी हैं पर उनमें से ये एक बेहतरीन सीरीज है। सीजन 1, 2, 3 पॉलिटिकल थ्रिलर के मामले में एक बेस्ट ओपिनियन रखती है। पॉजिटिव नंबर 2, परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें इस सीरीज के परफॉर्मेंस को लेकर, जहां पे हमें प्यारी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हुमा कुरैशी की, भाई माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट्रेस एंड वो वाइब आती है वो गैंग ऑफ वसीपुर वाली फिर से उनके चेहरे पे, मतलब दिस रियली अ गुड एक्ट्रेस एंड वो एक निखर के आता है वो चेहरे पे कि भाई बंदी में दम तो है। एंड बात करें अदर्स को लेकर, जहां पे हमारे जो नवीन बाबू कैरेक्टर एंड वो अयाशिता कैरेक्टर, भाई वो इतना ज्यादा ग्रे शेड एंड बहुत ही खतरनाक एक्टिंग किया हुआ, भाई सबकी एक्टिंग कहीं ना कहीं एक शाइन लेवल की थी। लेकिन अगर हम बात करें हुमा कुरैशी पूरी सीरीज की स्टील द शो थी क्योंकि पूरी सीरीज उन्हीं पर ही बेस्ड है। पॉजिटिव नंबर 3, रिवेंज विथ डार्क पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें इस सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉलिटिक्स की ना और हो करके एक रिवेंज पॉलिटिक्स से कॉम्बिनेशन में कंबाइंड कर जाता है पूरा सीजन। तो बोले तो मतलब कि आप पॉलिटिक के साथ साथ एक बदले वाली भावना की सीरीज को देखने आते हो और जो आपको देखने में और अच्छा कच्चे से आप इस सीरीज से कनेक्ट कर पाते हो कि उसकी लाइफ प्रॉब्लम से वो सर्वाइव कैसे करती है। तो रिवेंज विथ पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही हार्ड है दोस्त। पॉजिटिव नंबर 4, सस्पेंस एंड थ्रिलर। अगर बात करें इस सीरीज की सस्पेंस को लेकर, जहां सीरीज में एक बहुत ही बड़ा प्यारा सस्पेंस है, जब आप देखोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो सस्पेंस बहुत ही बाप है एंड सीरीज पूरी सीरीज का थ्रिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आप हर एक एपिसोड को देखते हुए फील करोगे कि क्या एक्चुअल होगा, आगे क्या होगा, आप देखने के थोड़ा तड़प जाओगे। नेगेटिव नंबर 1, स्लो पेस एपिसोड्स। अगर हम बात करें इस सीरीज की सबसे बड़ा ड्रॉबैक, तो इस सीरीज का कुछ स्ट्रेची स्लो पेस एपिसोड है जो आपको कहीं ना कहीं एक बोरियत वाली फील दे देगा, जिस वजह से आप एपिसोड से थोड़ा डिस्कनेक्ट होते लगोगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फैमिली एंड थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा गहराइयों में कहानियों में डूब जाने की वजह से सीरीज थोड़ा सा स्लो पेस फील की जाती है एंड आपको ये फील होगा भी। अगर ये बात करूं मेरे ओपिनियन की तो दिस इज अ वेरी गुड शो। अगर बात करूं इस सीरीज को देखने के लिए तो आप अगर सीजन 1 सीजन 2 देखे हो तो सीजन 3 देखना, अदरवाइज मत देखना वरना समझ में नहीं आएगा। और रही बात करूं मैं इस चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो इस सीरीज में आपको न्यूडिटी वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है, तो फैमिली शो देख सकते हो फैमिली ऑडियंस के साथ। एंड बात करें अगर इसमें ऑफेंसिव लैंग्वेज को लेकर तो कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए हुए। और रही बात मैं तो बोलूंगा दिस इज अ वेरी गुड शो। अगर रही बात मैं शो को स्टार्स देने की तो मैं इस शो को 3 star out of 5 दूंगा। अगर तुमने महारानी सीजन 1 2 देखा है तो आपको अच्छा लगेगा जस्ट लाइक मुझे अच्छा लगा एंड बोलूंगा दिस इज अ गुड शो। सीरीज वेब सीरीज जल्दी खराब नहीं बन जाता, सीरीज अच्छी बनती है। तो हाँ, सोनी लिव वालों ने पहली बार बहुत अच्छा काम किया हुआ, अदरवाइज बोलूंगा रिव्यू मूवी रिव्यू सीरीज रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो मुलाकात होगी बहुत जल्द।